आज की हमारी रेसिपी है चिकन मलाई कोफ्ता, जो बहुत ही मज़ेदार और लज्जेदार है। सो लेट्स स्टार्ट विद वन मोर वीडियो विद शेफ तंजिल। तो इसके लिए हमें चाहिए चिकन, मीन्स कीमा, चिकन का कीमा, चॉप ऑनियंस, चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, एग, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट एंड फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। व्हाइट ग्रेवी के लिए हमें और सामग्री चाहिए। ऑनियंस, कैशनट, मेलन सीड या चार मगज ऑयल और घी, फ्रेश क्रीम, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, शुगर, ग्रीन चिली चॉप, कसूरी मेथी, और तड़के के लिए हमें चाहिए मेज, जावंत्री, जीरा, ब्लैक होल पेपर, व्हाइट पेपर पाउडर, ग्रीन कार्डमम पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सिनेमन स्टिक, स्टार एनीस, बे लीफ, क्लव्स, ग्रीन कार्डमम। एक पैन में तेल ले लीजिए। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसमें हम चॉप ऑनियंस डालेंगे। अच्छे से इसको सौते करना है। अब इस तेल में जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ऑनियन को हमको ज़्यादा सौते नहीं करना है, जस्ट ट्रांसल्यूसेंट या लिम्प। ग्रीन चिली डालेंगे। जब अदरक, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ग्रीन चिली जब अच्छे से सौते हो जाए, अब उसमें हम धनिया डालेंगे, फ्रेश धनिया, चीज अच्छे से सौते हो रखी है, ज्यादा ब्राउन भी नहीं हुई है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। एक वो जो हमने कीमे को अच्छे से धोया था चिकन का, उसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा तेल डालेंगे। अंडा डालेंगे। और जो हमने सौते करके ऑनियन, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट और जो फ्रेश धनिया था जो सौते किया था, वो हम डालेंगे और अच्छे से इनको सबको मिक्स करके इसको थोड़ा रेस्ट करके बाद में इसके हम बॉल्स बनाएंगे। फिर हम एक पैन में उसको धीरे धीरे
सौते करेंगे, कुकिंग करेंगे। अंडा डालने से कीमे में उसको एक अच्छा बाइंडिंग मिलता है। धीरे धीरे से उसको एक एक करके हम टर्न करेंगे। बहुत अच्छा कलर आ गया है, कैरमलाइज जैसा। ये कोफ्ते देख के आपके मुंह में तो मुझे लग रहा है एकदम पानी आ गया होगा। एकदम लज्जतदार खुशबू आ रही है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ कब बने और मैं खा जाऊं। इसी के साथ हम एक दूसरे बर्नर पे हम ग्रेवी बनाना लेंगे, जो हमने कांदा, चार मगज और कैशनट लिया था, उसके अंदर हम पानी डाल के उसको बॉइलिंग के लिए छोड़ देंगे। बॉइलिंग करने के बाद वो जब कांदा एकदम बॉयल हो जाए तो हम उसका पेस्ट बनाते हैं। अब इसे हम ढककर पकाएंगे। जब ये पूरी तरह से हो जाएगा, हम मिक्सर में इसको धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस के प्यूरी बनाएंगे। वाइट ग्रेवी जिसे हम शाही ग्रेवी भी बोलते हैं रेडी है। और जो हमने कोफ्ते रखे थे अच्छे से, जो उसको पैन में सीयर किए थे, वो भी रेडी है। अब हम एक पैन में तेल ले लेंगे और उसको अच्छे से गरम करके हम उसमें जो खड़े मसाले थे उन सभी को डालेंगे। घी भी डालेंगे, क्योंकि घी डालने से उसके अंदर एक अच्छा सा खुशबू आता है। जब ये सब खड़े मसाले अच्छे से भून जाएं, जब खड़े मसाले अच्छे से सौते हो जाए, उसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के अच्छे से सौते करने के बाद जो शाही ग्रेवी हमने पीसी थी वो डालेंगे और ग्रीन चिलीज भी डाल देंगे। ग्रीन चिली, ये खड़े मसाले, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये सब इन सबको अच्छे से हमें भूनना है। थोड़ा नमक डाल देंगे। अब इस ग्रेवी को हम थोड़ा ढक्कन लगाकर थोड़ी देर हम इसको अच्छे से पकने देंगे। ये ग्रेवी बहुत नाश्ती है, तो ज़रा आप लोग ये ग्रेवी पकाते समय ज़रा बहुत ख्याल से पकाना। अब ये ग्रेवी थोड़ी रेडी हो गई है, देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम जब ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई है, इसके अंदर देखो एक स्मूथनेस आपको दिखेगा। अब हम इसको अच्छे से थोड़ा देर चलाएंगे और इसमें हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। फ्रेश क्रीम डालने से ग्रेवी का जो रिचनेस है और बढ़ जाता है। गरम मसाला डालेंगे, मसाला पाउडर, कार्डमम पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, शुगर, ब्लैक पेपर पाउडर, इन सबको
अच्छे से ग्रेवी में डाल के अच्छे से तुम सौते कर लेना। सॉल्ट और शुगर स्वाद अनुसार, केवड़ा वाटर और कसूरी मेथी भी डाल देना। थोड़ा देर पका देना। इन सब चीजों को डालने के बाद अब हम इसमें जो सीड किए हुए चिकन कोफ्ते थे वो डाल देंगे और थोड़ा देर अच्छे से और पकाएंगे। देखिए ग्रेवी में एक चमक आ गई है। ये जब कोफ्ते जब इसमें डाल के मिक्स करेंगे और थोड़ा देर हम इसको जब थोड़ा देर और पकाएंगे, चिकन मलाई कोफ्ता बनकर रेडी है। चलिए हम एक वंडरफुल प्लेटिंग करेंगे मेरे स्टाइल में, शेफ तंजिल के स्टाइल में। बने रहिए विद कुकिंग विद शेफ तंजिल। और भी मेरे चैनल पे बहुत सारे अच्छे अच्छे रेसिपीज़ हैं। प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ विजिट माय चैनल फॉर न्यू अपकमिंग रेसिपीज़। थैंक्स वंस अगेन।